हेलो एवरीवन मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास फाइव का इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर पर आधारित है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स का जो पैटर्न है आपका पेपर का वो इसी पर डिपेंड रहेगा मतलब इसी तरीके से आपका पेपर भी एग्जाम में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है हमारा कि चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर नाइन काइट प्रिंट और लाइट तो प्रिंट जो साउंड है वो किसका जा रहा है अलग जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर क्या होगा सी नेक्स्ट है योगिता डैश मैट टी फॉर नीरज योगिता अब लड़की का नाम है जब भी लड़की का नाम आए तो हर सेल्फ आएगा ठीक है ना बी आंसर हो जाएगा इसका तो ध्यान रखना लड़के का नाम आया तो हिमसेल्फ लगाना है दे आ जाए तो देस लेफ ठीक है तो हर सेल्फ इसमें क्या जाएगा, आ जाएगा आंसर आ जाएगा बी इसका आंसर होगा नेक्स्ट ए डैश लाइट इज ए सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी रेडी होने के लिए होती है येलो लाइट बी आंसर होगा इसका येलो लाइट नेक्स्ट नेवर प्ले ऑन द गार्डन होम ग्रीन या रोड तो आंसर होगा रोड ठीक है ना रोड पे आपको कभी भी नहीं खेलना है नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट सी ए आई ओ यू वावल जो है ना वॉवल से आपको इसको क्या करना है फिल करना है तो सी इसमें क्या आएगा कैंपिन है तो ए आ जाएगा इसमें आपका आएगा पेट्रियोटिज्म है ये तो पेट्रोटिज्म का ए आएगा पी ए टी आर आई ओ टी आई एस एम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन देंटेंस एन और तीन आर्टिकल एक फिल करना है तो आपको इसमें क्या फिल करना है ए एन क्या आएगा ए एन तो यहाँ पे आएगा एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल द चंबल रिवर रिवर्स के नेम के आगे आपको क्या लगाना है दा लगाना है ध्यान रहे रिवर्स के नेम नदियों के नाम जो आ जाते हैं उनके आगे दा मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग एल वाई और फुल तो पावर के आगे क्या लगेगा पावर फुल नेक्स्ट है हैप्पी तो हैप्पी के आगे वाई को आई में बदल दीजिए और एल वाई लगेगा हैप्पीली ठीक है ना पावरफुल और हैप्पी नेक्स्ट है अरेंज द तो जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स एन ए आई पी तो इसमें आएगा पी ए आई एन बन जाएगा क्या बन जाएगा पेन पी ए आई एन पेन का मतलब होता है दर्द नेक्स्ट है एल जी यू एन एस तो लंग्स बनेगा एल यू एन लंग्स का मतलब होता है फेफड़े लंग्स ठीक है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट गिव अगो वाटर एलिफेंट ठीक है ना ओवरटेक टॉप जंप साइड टू द व्हीकल ओवरटेकिंग ठीक है ना तो किस साइड से हमें देना चाहिए तो हमें याद रखना है इसके अंदर साइड टू व्हीकल ओवरटेकिंग जब व्हीकल कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको उसको साइड देना होता है डू नॉट डैश विद द ड्राइवर डू नॉट टॉक, विथ द ड्राइवर ड्राइवर से हमें बात नहीं करनी चाहिए जब वो गाड़ी चला रहा होता तो टॉक नेक्स्ट है टेन टू थर्टीन क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट ठीक है ब्रैकेट में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको यूज करके आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है लोंग अगो लोंग लोंग अगो ठीक है ए ग्रुप ऑफ रेड्स लिव हैपीली लिव हैप्पी in the forest forest one day heard of elephant he threw that area in search of water water next tick t for true or f for false the following sentence द एलिफेंट वर लुकिंग फॉर फूड नो फॉल्स फूड के लिए नहीं देख रहे थे वो वाटर ढूंढ वाटर की सर्च में थे राजू एंड बिट्टू वर क्लियरलिंग राजू और बिट्टू जो है एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे नो no, फॉल्स है ये भी दशहरा कम इन कृष्ण पक्ष तो दशहरा कृष्ण पक्ष में नहीं आता शुक्ल पक्ष में जो है वो आता है तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा वी शुड गिव अप लेजिनेस यस लेजिनेस को हमें गिव अप कह देना चाहिए द मून लुक लाइक ए डायमंड इन द स्काई मून जो है डायमंड की तरह दिखाई देता स्टार जो है डायमंड की तरह दिखाई देता स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्प यस ट्रू ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट मेज द फॉलोविंग ए लॉन्ग थीम पीस ऑफ वुड ठीक है ना ए लॉन्ग थीम पीस ऑफ वुड स्विम स्टिक तो क्या होगा ए लॉन्ग थीम पीस ऑफ वुड स्टिक टू मूव योर बॉडी थ्रू वाटर वाटर में अपनी बॉडी को मूव करना स्विम हैविंग और शोइंग करेज करेज दिखाना ब्रेवनेस होता है ब्रेव कहलाता है द पार्ट ऑफ द डे वेन इट इज डार्क डार्क जब होता है वो नाइट कहलाती है नाइट एंड ऑब्जेक्ट यूज फॉर राइट एंड ड्रॉइंग तो पेंसिल से हम करते हैं पेंसिल से राइट और ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट यूज फॉर टाइडिंग हेयर हेयर को टाइट करने के लिए बांधने के लिए तो कॉम का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट सिक्सटीन टू एटीन क्वेश्चन नंबर रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वी बॉट टिकट टू सी द म्यूजियम इन द फैते प्रकाश प्लेस इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ अदर वेपन्स वी सा द फेमस विजय स्तंभ इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज विक्ट्री आवर मोहम्मद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा मोहम्मद मोहम्मद खिलजी कौन था सुल्तान ऑफ मालवा इट इज वन फिफ्टी सेवन स्टेप वन फिफ्टी सेवन स्टेप टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर ए लाइट एंड साउंड शो इट इज हेड इन द इवनिंग देर इज अनादर टावर आल्सो इट इज कॉल्ड कीर्ति स्थम इट इज डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ठीक है ये हमारा पैसेज था आंसर होगा उसका हु वॉज बिल्ट विजय स्तंभ तो राणा कुंभा राणा कुंभा ने क्या बनाया था राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था हाउ मैनी स्टेप डज विजय स्तंभ है पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लास्ट का होगा फर्स्ट एंड अननोन का होगा फेमस एफ ए एम ओ एस फेमस मोहम्मद खिलजी तो मोहम्मद खिलजी कौन था हमने रीड किया था कि जो मोहम्मद खिलजी था वो सुल्तान ऑफ मालवा कौन था सुल्तान ऑफ मालवा ठीक है नेक्स्ट वॉट इज द अनादर टावर कॉल्ड कीर्ति स्थम्भ की स्तंभ क्या नाम था कीर्ति स्थम स्तंभ रीड द पैसे पॉइंट ऑफ द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉन्क्ट है तो कॉन्क्ट का जो वो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्क्ट का इसका सिमिलर वर्डेड होगा तो पैराग्राफ में इसको फाइंड आउट करना है कॉन्च का सिमिलर वर्ड जो होगा विक्ट्री क्या होगा विक्ट्री वी आई सी टी ओ आर वाई विक्ट्री डेवोटेड का जो सिमिलर वर्ड होगा वो डेडिकेटेड ई डी डी आई सी ए टी डी डेडिकेटेड नेक्स्ट रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट दूरल ऑफ द फॉलोविंग स्टेप का क्या जुड़ जाएगा एस टी ई पी और आगे एस जुड़ जाएगा स्टेप गन का जी यू एन गन हो जाएगा और एस गन्स नेक्स्ट हु द फर्स्ट जैन तीर्थंकर तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर जो थे वो कौन थे भगवान आदिनाथ कौन थे भगवान आदि थ ठीक है नेक्स्ट सेकेंड रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड वेल नोन टू मेनी पीपल तो फेमस होता है एफ ए एफ ए एम ओ यू एस फेमस नेक्स्ट नाइनटीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू वन से मदर पैरट गेव बर्थ टू टू बेबी पेरेट ए हंटर बॉर्ड एंड बॉट अप वन बेबी पेरेट दिस बेबी पेरेट लर्न द हार्श वर्ड लाइक कैच हिट किल एक्सेट्रा बाई चांस द अदर बेबी पेरेट हैड बीन बॉर्ड एंड बॉर्ड बाय ए हॉली मैन दिस बेबी पेरेट लर्न दॉली वर्ड वर्ड लाइक वेलकम स्ट्रिट थैंक्स एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न जो है इसका क्वेश्चन है नाइनटीन का फर्स्ट हु बॉट एंड बॉट अप वन बेबी पैरेट हंटर व्हाट वर्ड डिड द हंटर बेबी पैरट लर्न हंटर बेबी पैरट ने क्या सीखा था कैच हिट किल एक्सट्रा ये वर्ड उन्होंने सीखे थे नेक्स्ट हाउ मेनी बेबी पेरेट डिड द मदर पेरेट गिव बर्थ टू आंसर इसका होगा टू वॉट डिड ए हॉलीमैन डू ए होलीमैन डू बॉट द अदर बेबी पेरेट ए होलीमैन बी ओ यू जी एस टी बॉट द अदर Other baby parrot. Next, what about the holy man's baby parrot? Learned baby parrot learned like welcome, sit, thanks. Next, he bought up the baby. Who bought up the बेबी पैरट हु बॉट अप देबी पैरट तो ए होली मैन ए होली मैन नेक्स्ट जो ट्वेंटी वन क्वेश्चन है उसमें आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन में आपको करना होगा फर्स्ट जो होगा वो एक लेटर होगा सेकेंड आपको एप्लीकेशन होगा तो दोनों में से जो आपको सही लग रहा हो जो राइट लग रहा हो वही आपको इसमें क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है तो ट्वेंटी uh, फर्स्ट जो है वो है यू आर दिव्या लिविंग एट शिवगंज सिरोही यू आर फ्रेंड मीना हैज़ पास टू फिफ्थ क्लास एग्जाम विथ फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेड राइट ए लेटर कॉन्ग्रेजुलेशन हर ऑन हर सक्सेस सबसे पहला एड्रेस लिखेंगे हम जो भी एड्रेस है तो इलेवन शिवगंज सिरोही ट्वेंटी फर्स्ट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर माई डियर मीना आई रिसिव योर लेटर टूडे

यू हैव टू गो विध हिम सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो इम्पोर्टेंट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है वो अधिकतर एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है तो इस एग्जाम में भी आपकी पूछी जा सकती है तो चलिए टू द हेड मास्टर ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर जो भी स्कूल का नाम आपका एप्लीकेशन में दे रखा है वो ही आपको लिखना है सर्फ रेस्पेक्टफुली आई बैक टू सेट तो ये जो रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से जो लाइन है वो आपको हर एप्लीकेशन में आएगी सेम लाइन होती है माई फादर हैज बिन ट्रांसफर टू जयपुर ये आपको एप्लीकेशन जो प्रश्चन लिखा हुआ है उसमें मिल जाएगी आई हैव टू गो विथ हिम आई शेल स्टडी दर काइंडली इश्यू मी माई टी सी थैंक यू यू योर अबिडेंटली नाम लिख दीजिए क्लास इसके नीचे लिखना है डेट भी इसके नीचे लिखना है नेक्स्ट कंप्लीट द स्टोरी एंड एलिफेंट एंड ए टेलर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट थ्रू क्लॉथ डी शॉप रिवर इट वेंट ऑर लर्न तो इनमें से आपको क्या करना है फिल करना है वंस अपन अ टाइम देयर वॉज एन एलिफेंट इट वेंट टू एट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वॉटर डेली इट पास्ट बाय ए टेलर शॉप द टेलर गेव द एलिफेंट समथिंग टू ईट वन डे द टेलर प्रिग्ड नीडल इन टू इट्स ट्रंक द एलिफेंट बिकम एंग्री इट 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 डैश उसमें क्या आएगा इट इट वेंट अवे टू द रिवर इट Filled its trunk with dirty, dirty water. It threw the dirty water into the tailor shop. The tailor's cloth were spoiled. He was sad. Next day. Eh? राइट फोर सेंटेंस बेस्ड ऑन द गि हिंड ट्री बेंच डस्टबिन फ्लावर एंड बॉय फर्स्ट जो सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे बॉय इन दिस पिक्चर इज ए बॉय इन दिस पिक्चर नेक्स्ट है ही इज सिटिंग ऑन ए बेंच ही इज सिटिंग ऑन ए बेंच नेक्स्ट देर आर सम ट्री एंड फ्लोवर एल्सो देर आर सम्री ट्रीज एंड फ्लोवर एल्सो

एंड ये पेपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड यदि ये पेपर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपका लिंक आपको प्राप्त होता रहे थैंक यू सो मच